ग्वालियर में तीन डॉक्टर्स को कत्ल की धमकी मिली है, जिसके बाद से डॉक्टर्स परेशान हैं। इस मामले को लेकर सभी डॉक्टर्स और संगठनों की मीटिंग हो रही है, वो हड़ताल पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पुलिस को अब तक की जांच में पता चला है कि धमकी देने वाले युवक जगदीश राजावत की मां कुछ दिन पहले हजीरा अस्पताल में भर्ती थी, उनका कफ नलियां डालकर निकाला गया था। इस दौरान युवक ने डॉक्टर पर अपनी मां का गलत इलाज करने का आरोप लगाया, जिसके बाद आरोपी युवक जगदीश ने वीडियो जारी कर डॉक्टर्स को जान से मारने की धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। माँ का यहाँ पर इलाज हुआ था, अब उनकी माँ बिल्कुल ठीक है और घर भी पहुँच गई हैं, लेकिन कल उन्होंने एक वीडियो डाला है। अब ये जान से मारने की जो धमकी है एकदम सार्वजनिक तौर पर दी गई है, पूरा वीडियो वायरल है, ऑल ओवर इंडिया वो वीडियो वायरल हो रहा है। प्रशासन खुद उस पर FIR करे और पेशेंट के उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर अब जब उसने जान से मारने की धमकी दी है तो इस तरीके से तो काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है, सभी डरे हुए हैं, तो प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी हम अपनी बेहतर सेवाएँ दे पाएंगे। ट्रीटमेंट को लेकर जो भी उसको आपत्ति हुई उसके बाद उसके द्वारा वीडियो बनाया जाना बताया गया है। इस संबंध में CMHO साहब से मैंने संपर्क किया है, यदि संबंधित चिकित्सक जिनके नाम लिए गए वीडियो में वो अगर थाना पहुंचते हैं तो FIR दर्ज की जाएगी और FIR दर्ज करके जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उस पर की जा रही है।